क्वेश्चन रीड करो। क्या लिखा है देखो, जून 2019 में जैन पंप्स द्वारा 3,000 पंपों का निर्माण किया गया। कंपनी की मूल्य सूची के अनुसार प्रति पंप का मूल्य 500 रुपये है। माल एवं सेवा कर अतिरिक्त है। निर्माता द्वारा थोक में पूर्ति किए गए माल पर 20% बट्टा। देखो किस पे देगा, मूल्य सूची पर। देखो जैन पंप्स कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 300 पंप्स। प्राइस लिस्ट है 500। एक्सक्लूसिव मतलब टैक्स जुड़ा हुआ नहीं है, अलग से अतिरिक्त। द मैन्युफैक्चरर ऑफर्स 20% ऑफ डिस्काउंट टू होलसेलर्स ऑन द प्राइस लिस्ट। किसको डिस्काउंट दे रहा है, होलसेलर्स को। कितने रुपए पे, 500 रुपए पर। ड्यूरिंग द सितंबर कितने पंप्स होलसेल में सेल किए गए। देखो होलसेल को मतलब थोक वालों को 1750, रिटेल वालों को 1020, बैलेंस इतने बचे हैं। द इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय जैन पंप्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, आगे देखो। इनपुट्स यूज्ड इन फिनिश्ड गुड्स इंक्लूडेड 50,000 ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी पेड। इस लाइन को सिलेक्ट करके रखेंगे सब। ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रय की गई पंप निर्माण के लिए क्रय की गई उत्पादन सामग्री, मतलब जो प्रोडक्शन, जो भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है उस पे जो उत्पादन सामग्री लगी अर्थात इनपुट्स के मूल्य में 50,000 चुकाए गए जीएसटी के शामिल हैं। सपोज किसी का, ये देखो जैन पंप्स वाला है ना, तो ये पंप, इसने जो पंप बनाए इसके लिए इसने जो सामान खरीदा होगा वो दूसरे के लिए फिनिश्ड गुड्स रहा होगा। इसके लिए पंप का जो मैन्युफैक्चरिंग इसने की, प्रोडक्शन किया, तो इसके लिए ये क्या था, कच्चा माल, रॉ मटेरियल है ना। जो भी इसने पंप्स मैन्युफैक्चर की, पंप्स बनाने के लिए इसको जो सामान लगा वो कच्चा माल, लेकिन इसने किसी से खरीदा, तो इसने जिससे भी खरीदा उसके लिए तो वो फिनिश्ड गुड्स था, मतलब तैयार माल था, उसके लिए तो वो बन के रेडी था। उसने बेचा और इसने क्या किया, खरीद लिया। तो जब उसने वो माल खरीदा तो उस पे देखो कितने का जीएसटी पे किया था, 50,000 का। ये देखो, पंप निर्माण के लिए क्रय की गई उत्पादन सामग्री, मतलब उत्पादन सामग्री, ये रॉ मटेरियल जैन वाले के लिए, अर्थात इनपुट्स के मूल्य में 50,000 रुपए चुकाए गए जीएसटी के शामिल है। तो इसने उसमें कहीं ना कहीं 50,000 क्या पे की थी, जीएसटी। तो एक अब वही इसने सामान क्या किया, अपने पंप्स बनाने में लगाया, उसका प्राइस ऐड करेगा। ऑब्वियस है कि फ्री में तो देगा नहीं, इसकी जो भी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट बन के तैयार हुई होगी उसमें क्या था, उसने इसका भी प्राइस ऐड किया होगा, तो जीएसटी भी ऐड करेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक बार टैक्स लग गई तो फिर से नहीं लगेगी। तो क्या करेंगे अब अपन, वो 50,000 लास्ट में जीएसटी का माइनस कर देंगे जितना भी जीएसटी आएगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रोफॉर्मा बनाएंगे अपन पार्टिकुलर्स अमाउंट करके। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? चलो यस मैम। पार्टिकुलर फिर बनाओ अमाउंट। नेक्स्ट देखो, पंप कितने पंप का निर्माण कर रहा है, 3,000 पंप का। प्राइस कितना है, 500 रुपए। 20% डिस्काउंट देता है किसको, होलसेलर को। चलो फर्स्ट लिखो ट्रांजेक्शन प्राइस, बीजक मूल्य, व्यवहार मूल्य, लिखो जल्दी। ट्रांजेक्शन वैल्यू, होलसेलर्स को देगा पहले, निकालो होलसेलर्स के लिए। कितना बेच रहा है होलसेलर्स को, 1750 मल्टीप्लाई करो कितने का है, एक पंप 500, कितना आएगा अमाउंट बताओ। देखो बताओ चितेश, 875,000। 8,75,000 आ रहा है सबका। यस मैम। आगे कैलकुलेट करो,
मैम रिटेल का 510000। रिटेल का क्या आ रहा है? 5 1 जीरो 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 5,10,000। कितने पंप्स मैन्युफैक्चर कर रहा है रिटेलर को, सॉरी कितने सोल कर रहा है? 1,020 है ना? बीस यस कितना आ रहा है? 5,10,000 टोटल करो। 13,85,000। 13,85,000 सबका इतना ही आ रहा है? पढ़ाई में ध्यान नहीं है तुम लोगों का? क्यों कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा? बस एक ही लड़का है क्लास में, तुम लोग नहीं हो? बाकी कहाँ मैम मैं भी रिस्पॉन्स कर रही कर रही है रिस्पॉन्ड? हूँ। यार मैम मैं अमाउंट बताई ना, ये फर्स्ट वाला, और अभी रिस्पॉन्स की 2 बार। देखो चलो टोटल करो। 13 लाख ट्रांजेक्शन वैल्यू टोटल हुई। यस मैम। हाँ बाकी और कोई नहीं है क्लास में? टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू 13,85,000। फिर क्या करना है इस पे? डिस्काउंट देंगे अपन। डिस्काउंट कितने का दे रहा है देखो, किसको दे रहा है डिस्काउंट? होलसेलर्स को देगा बस, यस मैम, 20% है ना? होलसेलर को। 20% दे रहा है कितने पे? 500 रुपए पे। तो 500 का 20% निकालो, कितना आया? 100 100। कितने पंप सेल किया उसको? 17,50 किया कि नहीं किया? तो यस मैम। कितना है अमाउंट? किसका दिमाग खराब, भूल जाते हो क्या तुम लोग? 1,75,000 वन में सेवेंटी फाइव क्या यस बोल मैम रहे हो? 1,75,000। हाँ 1,75,000। और अगर आप लोग पर्सनल कुछ बात करते हो तो माइक को म्यूट कर लिया करो, जो भी बोलते हो ना सब रिकॉर्ड होते जाता है। वन लैख 75,000 तो कितना आएगा अमाउंट? 12,10,000। 12,10,000। नेक्स्ट देखो, फिर क्या करोगे उसमें? जीएसटी दोगे उसको? और कुछ है अमाउंट उसमें करने के लिए क्वेश्चन में बताओ? लिखो टैक्सेबल वैल्यू, लिखो टैक्सेबल वैल्यू करो। कितना आया टैक्सेबल वैल्यू? माइनस किए तो 12,10,000। 12,10,000। ठीक, ये कंप्लीट। अब जीएसटी निकालो। जीएसटी निकालेंगे, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय जैन पंप्स। इनवॉइस प्राइस नहीं पूछा है, इनवॉइस पूछता तो इसमें ऐड करके देते जीएसटी। सिर्फ कैलकुलेट अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बोला है, तो इसको एक प्रोफॉर्मा में रखोगे। अब सेकेंड अलग से एक प्रोफॉर्मा बनाएंगे, है ना? चलो जीएसटी कैलकुलेट करने का प्रोफॉर्मा बनाओ। मैम एक बार फिर से बताइए तो मैम, दूसरा परफॉर्मा क्यों बना रहे हैं अपन? क्योंकि उसमें इनवॉइस प्राइस नहीं पूछा है, ध्यान नहीं यस रहता है ना मैम। क्लास में तुम लोगों का। इधर देखो एक चीज दिखाती हूँ, क्वेश्चन देखो लास्ट वाले। ये देख रहे हो क्वेश्चन, रुपेश इंजीनियरिंग वाला दिख रहा है? यस मैम। इधर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। फाइंड आउट टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी पेबल एंड टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस। ये देखो जब टोटल अमाउंट पूछता है ना बेटा इनवॉइस का,
तब टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करके दिखाओगे जीएसटी, और इन दोनों को जब टोटल करोगे और जो अमाउंट आएगा वो होता है अमाउंट ऑफ इनवॉइस। आया समझ में? यस मैम, ये मैं पहले भी दो बार मैम बता चुकी एक बार और हूँ। बताइए ना, नहीं, क्या बोल रही बेटा? मैम एक बार और बताइए ना, जो आप अभी बताए। मैम कौन एक्सप्लेन करेगा मौसमी को? नेहा, एक्सप्लेन करो बेटा, क्या बोला है मैंने? मेरे को समझ तो है, आप लोगों ने क्या समझा है बताओ। अब मुंह बंद। देखो इधर, जब ये पूछेगा ना टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस बताओ, क्वेश्चन में देखो, कर योग्य मूल्य ठीक है एवं जीएसटी की राशि ज्ञात कीजिए। तो ये जो इनवॉइस, देखो जब भी इनवॉइस करने बोलेगा तो जो आपका टैक्सेबल वैल्यू होता है, फिर अपन क्या निकालते हैं उसके बाद जीएसटी। तो मार्केट में कौन सा प्राइस जाता है, जो प्राइस निकला उसमें जीएसटी जुड़ के जाता है, वही मार्केट में जाता है प्राइस। तो जब इनवॉइस निकालने बोले तो टैक्सेबल में जीएसटी ऐड कर देना। यस मैम। और देखो अभी सिर्फ जीएसटी निकालने बोला है तो टैक्सेबल अलग करेंगे, जीएसटी अलग। देखो इसमें भी टैक्सेबल अलग किया था और जीएसटी भी अलग से ही लिखा था, बट क्या किया था मैंने, लास्ट में दोनों को ऐड कर दिया था। सेम इसमें ही करना है बस। चलो जीएसटी कैलकुलेट करूं। किया जीएसटी कैलकुलेट, कितना आ रहा है? मैम 1,08,900। 1,08,900। देखो लिखना जीएसटी पेबल एट 18%, कितना है सी जी एस टी एट द रेट 9%, 1,08,900। सेम यस मैम। एस जी एस टी तो नेट जीएसटी पेबल हो गया आपका, सॉरी नेट नहीं, टोटल जीएसटी कितना लग रहा है? 2,17,800। ये इतना आ रहा है 2,17,800। अब देखो ये इनपुट माइनस करोगे लेस, बताई थी मैं, एक पूरा थ्योरी क्लास ली थी मैं इसका, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर किसी को डाउट है तो आप लोग ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, आपके ऐप में अपडेटेड है। 50,000 माइनस करना है इससे लेस, तो आपका आ जाएगा नेट जीएसटी पेबल 1,67,800। कहीं डाउट है किसी को? नो मैम, क्लियर है। फिर पूछती हूँ तो बताते नहीं हो, लेकिन ऐसे क्लियर रहता है तुम लोगों का। मैम आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। बेटा थप्पड़ मारूंगी एक कांधे। चलो अच्छे से प्रोफॉर्मा बनाओ एग्जाम में, फिर देखो एग्जाम में। ये तो मैंने क्लास में करवा दिया है ना, लेकिन इसके बाद क्या करोगे बताओ? इसके बाद क्या करते हैं बताओ? मैं वर्किंग नोट
वर्किंग नोट याद रखना सब, एग्जाम में वर्किंग नोट के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम, बनाते हैं अच्छे से वर्किंग नोट लिख के आना एग्जाम में, बहुत अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो इसको जूम कर रही हूँ क्वेश्चन को, ठीक है? इसका ना सब स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर देख प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। मैम पहला क्वेश्चन दिखाइए ना, उसके स्क्रीनशॉट नहीं ली थी। एक मिनट एक मिनट, ये वाला हो गया? यस मैम हो गया। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको जूम कर रही हूँ थोड़ा सा, देखना। हिंदी वाले हिंदी में नोट करो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करना। हिंदी वालों का हो जाए स्क्रीनशॉट तो बताना मेरे को। हो गया मैम स्क्रीनशॉट। इंग्लिश वाले ले लो, हुआ? यस मैम। चलो अब जल्दी से प्रोफॉर्मा बनाओ और स्टार्ट करो कैलकुलेट करना, बिल्कुल कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा प्रैक्टिकल्स में। किसी ने सॉल्व किया क्वेश्चन? मैम जो मशीन टेस्टिंग चार्ज है सब, मैम उसमें वो इंक्लूड हो जाएगा। और उसमें क्या लिखा है देखो, योगेंद्र इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, देखो मशीन का मूल्य दिया है, परीक्षण टेस्टिंग चार्जेस पैकिंग चार्जेस कुछ बोला है नीचे? पढ़ो ना पूरा क्वेश्चन अच्छे से, पढ़ते पढ़ते हो नहीं और पहले ही पूछ लेते हो। कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है वैसा कि इंक्लूडेड है कि नहीं। हाँ तो हाँ, और कोई बताएगा? अगर मान लो आपको एग्जाम में नहीं देगा कि अमाउंट इंक्लूडेड है कि नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तब क्या एज्यूम करोगे बताओ? ऐड कर देंगे और नोट लिख देंगे कि एज्यूम नहीं किया ऐड करके। तुमको बोला है ना तुम मुंह बंद रखा करो। यस मैम। क्यों सौम्या, क्या हो गया आज कॉन्सेप्ट में समझ नहीं आ रहा है? नेहा मौसमी बताओ। मैम आ रहा है समझ में। क्वेश्चन देखो, मशीन के परीक्षण के व्यय पैकिंग, निर्मित मशीन को ट्रांसपोर्ट से भेजने के वास्तविक व्यय जो भी हो लिखा है इसमें, एट एक्चुअल इंटरेस्ट दिया है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, यू आर इन्फॉर्म दैट द एक्चुअल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनकर्ड ₹2400, इंटरेस्ट ऑफ ₹4800 वॉज चार्ज इज द बायर डिड नॉट पे द अमाउंट मैन्युफैक्चरर विल बियर। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो, क्या लिखेंगे इसमें, ट्रांजेक्शन वैल्यू या नहीं, मशीन का मूल्य दिया है ना तो लिखो वैल्यू ऑफ मशीन। कितना दिया है देखो, वैल्यू ऑफ मशीन 330,000 दिया है। yes. नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे इसमें, पहला मशीन टेस्टिंग चार्जेस, डिजाइन चार्जेस है ना, पहला है yes. डिजाइन चार्जेस कितने का दिया है देखो, डिजाइन चार्जेस आपको 19,500 का, ठीक। फिर उसके बाद आप ऐड करना पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस दिया है आपका 1500। फिर क्या दिया है देखो, पैकिंग एक्सपेंसेस के लिए, उसके बाद टेस्टिंग चार्जेस आगे पीछे लिख सकते हो, बट क्या होता है ये क्या, डिजाइन और पैकिंग पहले लिखा करो, बट नहीं तुम लोग ना बुक्स के सीक्वेंस में लिखना, नहीं तो एक आध अगर वहां पे अमाउंट भूल गए तुम लोग तो पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दोगे तुम लोग।
तुम लोगों का इतना दिमाग नहीं चल पाएगा वहां पे। तुम लोग एग्जाम में ना सिर्फ सीक्वेंस से लिखते जाना, आ रहा है समझ में? यस मैम। गलती मत करना, क्योंकि एक आध पॉइंट भी छूटा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे पूरे क्वेश्चन में। टेस्टिंग चार्जेस देखो कितना दिया है, 6400 है। नेक्स्ट देखो, टेस्टिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन दिया है, कितना है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देखो, 2400। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, कितना दिया है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट बताओ, 4800। और कुछ छूटा कहीं पॉइंट? और कोई पॉइंट छूटा? मैम सर्विस चार्ज देखो उसमें क्या लिखा है, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट द मैन्युफैक्चरर विल बियर। इसमें ये नहीं बोल रहे कि उसको जोड़ना है। देखो ये क्या लिख रहा है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, विक्रय उपरांत वारंटी अवधि में सर्विस व्यय पूर्तिकर्ता द्वारा 15,000 वहन किए जाएंगे, जो कि उपरोक्त कीमत में शामिल है। मतलब मशीन चार्जेस में क्या है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देखो हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में नहीं लिखा है, दिख रहा है सबको हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस? yes. है ना, देखो ये बुक की मिस्टेक है। देखो यहाँ लिखा है जो कि उपरोक्त कीमत में शामिल है, और यहाँ लिखा ही नहीं है कि इज इंक्लूडेड, तो इंक्लूडेड है ये। एग्जाम में ऐसा देखो क्वेश्चन ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इनडायरेक्ट टेक्स्ट का, हिंदी वाले इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश वाले हिंदी जरूर पढ़ना एक बार। कुछ अमाउंट कभी कभी देखो क्या होता है, एक आध क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगी, जैसे यहाँ 1500 लिखा है ना तो यहाँ 15,000 लिखा होगा। तो आप लोग एक बार एग्जाम में हिंदी इंग्लिश के अमाउंट्स और लाइंस को वेरीफाई करना, ठीक? और कुछ सब हो गया? यस। चलो टोटल करो, टैक्सेबल वैल्यू निकालो। मैम 3,64,600 करेक्ट। और कुछ इसके बाद क्या करेंगे बताओ, क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी पेबल, और लास्ट में टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। और हिंदी में देखो क्या लिखा है, कर योग्य मूल्य एवं देय जीएसटी ज्ञात कीजिए एवं बीजक की कुल राशि। बीजक क्या होता है? इनवॉइस, ये जीएसटी नहीं है, ये इनवॉइस है। कैसे टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल सकते हो आप लोग बताओ? जब आप जीएसटी पेबल निकाल रहे हैं तो अलग से और कोई जीएसटी पेबल निकाल सकते हैं क्या आप लोग? टोटल अमाउंट नहीं, टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस पूछा है, और टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस पूछेगा तब क्या करेंगे अपन, जीएसटी को ऐड कर देंगे। अभी बताया था ना मैंने आपको? यस यस। चलो कैलकुलेट करो, जीएसटी अमाउंट कितना लेंगे बताओ, कितना परसेंट लेंगे? सिक्स सिक्स। क्यों? क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, ये देखो सिक्स पॉइंट देखो, जीएसटी की दर मार्च 2019 में कितना परसेंट है, 12। देखो जीएसटी रेट इन मार्च 2019 कितना है, 12%। अप्रैल 2019 में कितना है, 5%। ये देखो इन अप्रैल 29 कितना परसेंट दिया है, 5%। क्वेश्चन में देखो कब सप्लाई हो रहा है, डेट के ऊपर ध्यान देना, योगेंद्र इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड
has entered into a contract in March 2019. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में कब आ रहा है, अनुबंध कब किया, मार्च. एवं मशीन की पूर्ति सप्लाई किसका कब की गई, 15 अप्रैल को. ठीक, तो जब सप्लाई किया जा रहा है, जब मशीन की पूर्ति कौन से महीने में की जा रही है, अप्रैल में. तो जब एक्चुअली हमको रिसीव हो रहा है अप्रैल, तो अप्रैल में रेट क्या चल रहा है, देखो 5% रियायती दर दिया है. तो इसका मतलब ये नहीं कि 12 में से 5 माइनस कर दोगे, नहीं, इसका मतलब है कि उस महीने में गवर्नमेंट ने क्या किया, 12 से उसको 5% कर दिया, कंसेशन लगा दिया, कंसेशनल रेट 5%. तो आप लोग हैं यहाँ पे एड में CGST और SGST कितने से लेंगे बताओ, 2.5% आ रहा है समझ में सबको. Yes, मतलब जिस डेट में सप्लाई किया है हर बार वो देखेंगे ना. हाँ, वही देखेंगे. Yes. ठीक, ये क्वेश्चन इसलिए करवाई थी मैं, भले इसमें प्रिंट मिस्टेक थी बट क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की वैरायटी ध्यान से करना आप लोग. चलो अमाउंट बताओ मेरे को, 2.5% कितना होगा मैम, 9115. सही लिखा है मैंने? यस मैम. यस मैम. नाइन वन वन फाइव. तो टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस क्या आ जाएगा, 18230. कैसे टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस, नॉट जीएसटी. 382830. हाँ, वो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी था जो आप लोग बोल रहे थे. इनवॉइस कंफ्यूजन मत क्रिएट करना एग्जाम में, बीजक मूल्य है ना, ये टोटल कर देंगे तो 382830. फिर वर्किंग नोट इस पॉइंट में जो भी मैंने आपको बताया है, हर एक का वर्किंग नोट आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, याद रखना एग्जाम में. क्लियर है क्वेश्चन? यस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. किसी को डाउट है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का, ले लो. नेक्स्ट देखो क्या दिख रहा है क्वेश्चन में. कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है? विशाल टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स वाला. क्लियर नहीं है क्या क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम करूं? मैम क्लियर है. ये देखो yes. हिंदी अलग कर दिया मैंने, इंग्लिश अलग कर दिया. लो चलो जल्दी से क्वेश्चन रीड करो, प्रोफॉर्मा बनाओ, प्रोफॉर्मा बनाओ पर्टिकुलर अमाउंट. किसी का बना क्वेश्चन, आया किसी का आंसर? देखो ये 10th नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन सबने. देखो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, बहुत ध्यान से प्रैक्टिकल सॉल्व करना. आ रहा है समझ में? चलो स्टार्ट करें. yeah. चलो कॉलम बनाओ जल्दी से पर्टिकुलर. मैम इंग्लिश वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना. अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, एक सेकंड. दिख रहा है? Yes ma'am. Yes ma'am. देखो, first point.
क्या है देखो, विशाल टाइल्स द्वारा टाइल्स का निर्माण किया जाता है, विशाल ट्वेल्स और वितरकों को व्यापारिक बट्टा भी दिया जाता है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट। पैकिंग देखो, लाइन देखो, ध्यान से पढ़ो। विशाल ट्वेल्स द्वारा पैकिंग एवं परिवहन व्यय बीजक में अलग से चार्ज किया जाता है। इसका क्या मतलब है? बीजक में अलग से चार्ज किया जाता है। विशाल टाइल्स ऑल्सो चार्जेस फॉर पैकिंग एंड शोज सेपरेटली इन इनवॉइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो है ना, एक ही इंसान नहीं पढ़ रहा है क्लास में। मौसमी, नेहा, सौम्या, इसका क्या मतलब है? बीजक में अलग से चार्ज किया जाता है का मतलब क्या होगा बताओ? मैम इंक्लूड होगा। किसमें? प्राइस में इंक्लूड होगा कि क्या होगा, क्या हम ऐड करेंगे? बताओ नेहा, मौसमी। देखो बेटा, आंसर्स दो, चाहे गलत भी लग रहा है तो दो, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ना आप लोगों का। सोचो अगर आपने कुछ गलत बताया तो मैं आपको उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी और जो सही होगा उसका भी कॉन्सेप्ट। तो डरो मत, रिप्लाई किया करो। चलो बताओ। मैं ऐड करेंगे। क्या बोल रहे हो बेटा? ऐड करेंगे। श्वेता, ऐड करेंगे, ठीक। और कोई बोल सकता है? नेहा, मौसमी, क्या करेंगे बताओ? क्या हो गया बोलो? इसमें मैम पैकिंग और जो चार्जेस है मैम वो इसमें जो इंक्लूडेड नहीं है मैम, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे मैम। ऐड करेंगे, श्वेता ने भी सही बताया था। देखो क्या लिखा है, बीजक में अलग से चार्ज किया जाता है। बीजक मतलब इनवॉइस, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है, अलग से चार्ज किया जाता है। आप लोग ने दो लाइन लिख लो, अगर कभी लिखता है कि बीजक में अलग से चार्ज किया जाता है, मतलब अलग से आपको मेंशन करना है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। चलो लिखो, इनवॉइस प्राइस लिखो, सेलिंग प्राइस लिखो, इनवॉइस प्राइस लिखो। ₹15,00,000 कितना आएगा टोटल? 15,00,000। ऐड करेंगे पैकिंग। इंग्लिश में देखो फिर से गलत दिया ना, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी जुड़ेगा पैकिंग के साथ। हिंदी में लिख के दिया है कि क्या पैकिंग एवं परिवहन व्यय बीजक में अलग से चार्ज किया जाता है। तो परिवहन व्यय कितना था, सॉरी पैकिंग लिखा है मैंने पहले, तो पैकिंग आएगा 5,000, फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया है 15,000, फिर क्या दिया है देखो, टोटल करोगे ना तो आएगा 15,30,000, नहीं सॉरी, स्क्रीन प्रिंटिंग चार्जेस 10,000 ऐड करोगे। देखो क्वेश्चन में दिया है, निर्माता द्वारा टाइल्स के स्क्रीन प्रिंटिंग संबंधी व्यय हेतु भी बीजक व्यवहार मूल्य के अतिरिक्त चार्ज किया जाता है, मतलब अलग से चार्ज करना है, तो इसलिए उसका भी 10,000 ऐड करोगे, तो ये आपका टोटल हो गया 15,30,000।